हेलो दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत ही पुराना और विविधताओं से भरा हुआ है। भारत दुनिया को सीखने और सिखाने की कलाएं प्रदान करता है। ऐसे ही भारत में कुछ महान कलाएं हैं जिन्हें जानकर आज भी लोग दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। आज हम बात करेंगे मार्शल आर्ट के बारे में, जो भारत में प्राचीन काल से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, क्लारीपयट्टू। यह मार्शल आर्ट भारत के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत के केरल राज्य में 4वीं शताब्दी में मानी जाती है। ये केरल में और तमिलनाडु व कर्नाटक से सटे भागों के साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदाय के बीच ज्यादा प्रचलित है। इस मार्शल आर्ट का अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों जैसे नायर एझावा द्वारा किया जाता था। कलारीपयट्टू को एक पौराणिक कथा ऋषि परशुराम द्वारा मार्शल आर्ट के रूप में पेश किया गया था। नंबर टू, सिलंबम मार्शल आर्ट। सिलंबम भारत का प्राचीन मार्शल आर्ट है, जो विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में तमिलनाडु से आता है, जहाँ इसकी उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व हुई थी। इस प्राचीन लड़ाई शैली का उल्लेख तमिल संगम साहित्य 400 BCE में किया गया है। भगवान मुरुगा और ऋषि अगस्त्य को सिलंबम के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। नंबर थ्री, हुयेन लैंगलोंग मार्शल आर्ट। हुयेन लैंगलोंग मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है। मैली भाषा में हुयेन का अर्थ युद्ध है, जबकि लैंगलोंग का अर्थ नेट, ज्ञान या कला हो सकता है। हुयेन लैंगलोंग दो मुख्य घटक होते हैं, थांगता और सरिक सारक। यह कला मणिपुर के मैली लोगों द्वारा बनाई गई है। 17वीं शताब्दी में इस मार्शल आर्ट का उपयोग ब्रिटिशों के खिलाफ मणिपुर राजाओं द्वारा किया गया था। तब अंग्रेजों ने इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर फोर, थोड़ा मार्शल आर्ट। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट का रूप है। इस मार्शल आर्ट की उत्पत्ति कुल्लू से हुई है। थोड़ा तीरंदाजी पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जब पांडवों और कौरवों के समय अज्ञातवास के दौरान कुल्लू और मनाली के सुरम्य घाटियों में रहते हुए धनुष और तीर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर फाइव, गतका मार्शल आर्ट। गतका एक भारतीय मार्शल आर्ट का नाम है, जो पंजाब क्षेत्र के सिखों से जुड़ा हुआ है और तनोली और गुंजर समुदायों के साथ जो उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो मार्शल आर्ट के शुरुआती संस्करण का अभ्यास करते हैं। गतका का अर्थ होता है जिसकी स्वतंत्रता अनुग्रह से है। नंबर सिक्स, लाठी मार्शल आर्ट। लाठी मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने वाले सबसे पुराने हथियारों में से एक है। यह कला आज भी उत्तरी भारत के गांवों में देखी जाती है, जहां के लोग अपने साथ हमेशा लाठी रखते हैं। लाठी बांस की मजबूत लकड़ी से बनी होती है, जिसे सरसों के तेल में डुबो कर रख कर तैयार किया जाता था, जिससे यह चिकनी और मजबूत हो जाती है। लाठी कला का जन्म बांग्लादेश में हुआ है, जो पहले भारत का अंग था। नंबर सेवन, इनबुआन मिजोरम की मल्ल युद्ध कला। इनबुआन द्वंद कला वास्तव में भारत के मिजोरम प्रदेश से जुड़ी एक प्राचीन द्वंद कला है। ये कुश्ती या मल्ल युद्ध का ही एक रूप है। इस कला का जन्म मिजोरम के डुगटलोंग नामक गांव में सन 1750 में हुआ था। नंबर एट, कुट्टू वारिसे मार्शल आर्ट। यह कला पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संगम साहित्य में उल्लिखित थी। कुट्टू वारिसे का अर्थ है खाली हाथ का मुकाबला। एक निहत्थे हाथों से आत्मरक्षा का मार्शल आर्ट है, जिसका उपयोग योग, व्यायाम, आश्रम आदि के माध्यम से एथलेटिक्स और फुटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर नाइन, मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट। इस कला को हिंदू धर्म में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली वाली को जम्बुवंती के रूप में माना जाता है, जो विरोधी को लॉकिंग और होल्डिंग के माध्यम से मजबूत करता है। दूसरी है हनुमंती, जो तकनीकी श्रेष्ठता के लिए है। तीसरा भीमसेनी को संदर्भित करता है, जो सरासर ताकत पर केंद्रित है। और चौथे को जरासंधी कहा जाता है, जो अंग को जोड़ने तोड़ने पर केंद्रित है। नंबर 10, परिखंड मार्शल आर्ट। परि का अर्थ ढाल है, जबकि खंड तलवार को संदर्भित करता है, इसलिए इस कला में ढाल और तलवार दोनों का उपयोग किया जाता है। इसमें ढाल और तलवार का उपयोग करके लड़ाई करना शामिल है। इसके चरणों और तकनीकों का उपयोग बिहार के छऊ डांस में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे देश के टॉप 10 मार्शल आर्ट कलाएं। तो दोस्तों क्या आप लोगों ने भी मार्शल आर्ट सीखा है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।